न्यू गार्डनर्स के लिए मिट्टी की समस्या एक कॉमन समस्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिट्टी के बिना, अच्छी सॉइल के बिना हम अच्छी गार्डनिंग नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम पानी में प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं, सिंगोनियम है और एग्लोनिमा है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। लेकिन यदि सब्जियां लगाना चाहें, फ्रूट्स लगाना चाहें, तो अच्छी मिट्टी के बिना हम नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मिट्टी की कमी को कैसे पूरा करें। यदि हमारे पास मिट्टी कम है या नहीं है, तो हम कैसे अपने प्लांट्स लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल इंदूज गार्डन ऑफ ड्रीम्स में, और उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक हम लेंगे कि मिट्टी की कमी को हम कैसे दूर करें, और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है नए लोगों के लिए जिन्होंने नई गार्डनिंग की है। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि मिट्टी की कमी को कैसे पूरा करें। तो आज मैं आपको ये अपना एक गमला दिखा रही हूँ, 14 इंच का ये गमला है और बिल्कुल खाली है ये। तो इसको हम सीखेंगे कि कैसे हम इसे मिट्टी से भरते हैं, कैसे मिट्टी की कमी को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, जो गमले में ड्रेनेज होल होता है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम एक ठीकरी रख देंगे, ज़रूरी होता है, जिससे कि पोषक तत्व पानी के साथ बाहर ना जाएं। तो इस तरीके से हमने ठीकरी को रख दिया है। अब मिट्टी हमें कैसे भरनी है, तो दोस्तों ये आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखें। तो ये आप देख रहे हैं कुछ सूखी पत्तियाँ हैं जो कि हमें अपने गार्डन से ही मिलती हैं। मैं गार्डन से ही इन पत्तियों को इकट्ठा कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। इसमें मिट्टी भी होती है, इसको धूप में मैंने सुखा लिया था, और इसकी हेल्प से हम मिट्टी भरेंगे। यदि आपके पास मिट्टी थोड़ी है तो थोड़ी मिट्टी में ही आपका काम हो जाएगा, और पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। पत्तियां एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट का काम करती हैं। तो आप पत्तियों से अपने गमले को भरेंगे, और कैसे भरना है तो ये आप आगे की वीडियो में देखें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मिर्च की पौधे तैयार हैं, तो इन पौध को हम गमले में लगाएंगे। और मैंने कैसे कैसे मिट्टी का सॉइल मिट्टी का मिक्सचर बनाया है, तो ये मेरे पास गार्डन सॉइल है। तो मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है, जिसमें 20% मैं अपना किचन वेस्ट से कंपोस्ट डालूंगी, और बाकी कुछ पत्तियां हो जाएंगी। और ये देखिए है बोन मील, थोड़ी सी मैं बोन मील मिलाऊंगी, और थोड़ी सी ये नीम खली, और सैंड मैंने इसमें ऑलरेडी मिला दी है। तो इस प्रकार से मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया है। फंजीसाइड पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहली लेयर हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे गमले में, और मिट्टी डालने के बाद फिर हम उसमें पत्तियां डालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से थोड़ी सी हम लेयर जो है मिट्टी की डालते हैं। मिट्टी की लेयर डालने के बाद अब मैं इसमें जो सूखी पत्तियां हैं वो सब इसमें डाल दूंगी। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी सूखी पत्तियां हैं मैं सब इसमें भर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा आधा गमला जो है भर जाएगा, और बहुत कम मिट्टी हम ऊपर डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें अपनी पौध लगा देंगे। तो हमारा गमला आधा भर चुका है पत्तियों से। तो इसके बाद हम ऊपर की लेयर में हम मिट्टी डालेंगे, और इस मिट्टी में मैंने अपना किचन वेस्ट से कंपोस्ट भी मिला दिया है, जिससे कि हमें अच्छी मिर्च प्राप्त हो, अच्छी फ्रूटिंग हमें मिले। तो वो सब तो मैं बाद में शेयर करूंगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे हम मिट्टी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ज़्यादा पत्तियां हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। मेरे पास अभी इतनी ही थी, वैसे मैं हमेशा रखती हूँ, और क्योंकि मैंने अभी गमले सब भरे हैं तो पत्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो इतनी ही बची थी, तो मैंने आपको डालकर दिखा दी। और इस गमले को हम थोड़ा सा मिट्टी से और भरते हैं। तो फ्रेंड्स, गमले को मैंने मिट्टी से भर दिया है। अब हम इसमें से मिट्टी की पौध निकालेंगे,
और दो तीन पौध मैं इसमें लगा दूंगी, क्योंकि हमारा गमला काफ़ी बड़ा है तो इसमें दो तीन पौध आराम से चल जाएंगी। तो इस तरीके से हम अच्छे से इनको दबा देते हैं। इस समय हम लगाएंगे तो मिर्च का भी पौधा काफ़ी अच्छे से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि मिट्टी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये मैंने मिर्च के पौध लगा दिए हैं। अब हम इसमें पानी देंगे। पानी ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और उम्मीद है कि बारिश होगी, क्योंकि देखिए बादल आए हुए हैं, रात भर बारिश हुई है यहाँ। तो पानी मैं थोड़ा ही दूंगी। और इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने कम मिट्टी में अपने मिर्च के पौधों को लगाया है। तो आपके पास भी यदि मिट्टी की कमी की समस्या है तो इस तरीके से अपने गमले को भरें और अपने प्लांट्स लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी मानसून।